92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम, जी हाँ, सहर कार्यक्रम सुबह सुबह आज शुरू हो रहा है। मैं अनूप जलोटा आ गया हूँ समय पर। कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये सहर कार्यक्रम सुनिए और देखिए आज कितनी खूबसूरत बातें, कितने खूबसूरत विचार हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में और आपके जीवन में आज से शुरू हो जाए। कबीरदास जी का दोहा है, देखिए क्या कहते हैं। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए, जाए मिले जब गंग से तो गंगोदक होए। कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोए, जो सड़क के किनारे गंदे पानी की नालियां होती हैं उसका पानी कोई पीता नहीं है ये समझ के कि ये गंदा पानी है, लेकिन वही पानी जब गंगा जी में जाके मिल जाता है तो वो गंगोदक हो जाता है, वो सबसे पवित्र पानी हो जाता है, ऐसा पानी हो जाता है कि कहते हैं उससे स्नान कर लो तो सारे पाप मिट जाते हैं और आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ईश्वर भी तो ऐसा ही है कि हम जब ईश्वर में मिल जाएंगे तो ईश्वर हमें अपने चरणों में स्थान दे ही देगा। इसलिए उस गंगा की ओर हमें जाना है जिसका नाम दूसरा ईश्वर है, जो हमें अपने चरणों में स्थान देगा और हम इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक सुंदर मंदिर की कथा। और ये मंदिर है गुरुवायूर मंदिर, केरला में है ये मंदिर, तो इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। इस मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा होती है और इसे भूलोका वैकुंठ भी कहते हैं, ये भी एक इसका नया नाम है। कमाल ये है कि इस मंदिर में मूर्ति तो विष्णु जी की है लेकिन उसकी पूजा कृष्ण के स्वरूप में की जाती है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही आ सकते हैं, हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है और दूसरे धर्म के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है, 5000 साल पुरानी है ऐसा कहा जाता है। कहानी ऐसी है कि किंग परीक्षित को एक बार एक सांप ने काटा, उस सांप का नाम था तक्षक, वो सांप बहुत ही जहरीला था, उससे किंग परीक्षित की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र जन्मेजया ने तक्षक से बदला लेना चाहा और एक यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया कि उसमें सभी सांप मर गए लेकिन एक सांप तक्षक नहीं मरा, क्योंकि उसने भगवान शंकर से दिया हुआ अमृत पिया हुआ था, वो जिंदा रहा। लेकिन जो सांप मरे उन सब ने पुत्र जन्मेजया को श्राप दिया कि तुमको कोढ़ हो जाएगा, और वही हुआ, जन्मेजया को कोढ़ हो गया और बहुत प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती गई। उन दिनों एक ऋषि दत्तात्रेय वहां आए और उन्होंने जन्मेजया को कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, इस पूजन से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जन्मेजया ने यही किया, विष्णु की पूजा आरंभ की और उसकी तबीयत ठीक होने लगी, उसमें सुधार शुरू हो गया और उसने इस मंदिर का निर्माण किया, गुरुवायूर मंदिर। आपको कभी अवसर मिले तो इस मंदिर को देखिए, बहुत सुंदर मंदिर है जहां मूर्ति तो विष्णु जी की है लेकिन पूजा उनके कृष्ण स्वरूप की जाती है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आपको मैं एक भजन सुनाता हूँ। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं, अपने घर नहीं आया। प्रभु मैं तो
आप ही आप भुलाया। मेरे पांव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया हो, मेरे पांव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया। तुम मुझसे कुछ दूर न थे प्रभु, तुम मुझसे कुछ दूर न थे, पर तुम तक पहुंच न पाया हो, तुम तक पहुंच न पाया प्रभु, मैं तो आप ही आप भुलाया। देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं प्रभु, मैं तो आप ही आप भुलाया। मन मूरख कीनी मन मानी, हीरा जन्म गवाया हो, मन मूरख कीनी मन मानी, हीरा जन्म गवाया। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया प्रभु, मैं तो आप ही आप भुलाया। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत अच्छी प्रतिभा, इनका गाना सुनते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप हैं निशा गौतम। निशा गौतम लखनऊ की रहने वाली हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, वहाँ शास्त्रीय संगीत की तालीम भी लेती हैं। निशा गौतम से बात करते हैं। निशा गौतम भातखंडे संगीत महाविद्यालय में भी संगीत सीख रही हैं और कभी कभी मुझसे भी सीखती हैं जब मैं लखनऊ आ जाता हूँ। निशा जी, तुम्हारा जी, स्वागत है शहर कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर, और बहुत बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, और आपकी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन मैं सबको सुनाना चाहूंगी। भजन के बोल है अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम आजकल बहुत पॉपुलर हुआ ये भजन, ये हम तुमसे सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी बल्लभम, राम नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, दिन शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी बल्लभम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निशा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और उसमें जो मुर्कियां आती है ना वो बड़ी साफ और बहुत अच्छी आती है। इसी तरह मेहनत करती रहो और तुम्हारा गाना जो है बहुत निखर जाएगा। मैं बस आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा आज भी। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना निशा गौतम को, कितना सुंदर भजन इन्होंने आपको सुनाया, और आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे, आप अपना रेडियो सही टाइम पे ऑन करिए और मैं वहां आपको मौजूद मिलूंगा। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।